हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा बिलासपुर में मॉडल कैरियर सेंटर व सिटी लाइवहुड सेंटर का निर्माण किया जाएगा। जल्द ही ये दोनों सेंटरों के भवन बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे बिलासपुर के बेरोजगार युवाओं को अपने स्किल डेवलपमेंट कराने का मौका मिलेगा। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के महाप्रबंधक सुनील ठाकुर ने अपनी टीम के साथ दो प्रोजेक्टों का निरीक्षण किया। इस दौरान वर्क प्रोग्रेस चेक की गई, साथ ही क्वालिटी वर्क को चेक करने के लिए निगम की ओर से विशेष रूप से हायर की गई फर्म के टीम लीडर ने भी व्यवस्थाओं को जांचा। बिलासपुर में मॉडल कैरियर सेंटर का निर्माण कार्य जिला रोजगार कार्यालय के साथ किया जा रहा है, जबकि सिटी लाइवलीहुड सेंटर गुरुद्वारा चौक के पास बनाया जा रहा है। इन दोनों प्रोजेक्टों के भवनों के निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। सीएलसी का भवन 3 मंजिला होगा, जबकि एमसीसी का इमारत 2 मंजिला होगी। खास बात यह है कि सिटी लाइवहुड सेंटर का आधारभूत ढांचा तैयार करने सहित इसमें लगने वाली मशीनरी व तमाम व्यवस्थाएं हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा की जाएंगी। निरीक्षण के बाद महाप्रबंधक ने अपनी टीम व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ स्थानीय रेस्ट हाउस में बैठक की और प्रोजेक्टों को लेकर विस्तृत चर्चा भी की। बैठक में कुछ सुझाव भी रखे गए ताकि लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे भवन की क्वालिटी बेहतर हो सके। अधिकारियों को 1 वर्ष में दोनों प्रोजेक्टों के भवन को तैयार करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जो सिविल स्ट्रक्चर की वर्क प्रोग्रेस है उसका विजिट करने आए थे, उसको देखने आए थे। मेरे साथ मेरी टीम, जो हमने क्वालिटी एश्योरेंस फर्म हिमाचल प्रदेश उसकी टीम लीडर भी हैं, जो कि हमारी जो सिविल स्ट्रक्चर हैं उनको, क्योंकि हम सिविल स्ट्रक्चर का जो काम है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा, एचपीपीडब्ल्यूडी द्वारा रन किया जाता है हमारा काम, उसकी क्वालिटी जो एश्योर करने के लिए हमने एक फर्म हायर कर रखी है, रॉडी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसके टीम लीडर भी हमारे साथ आए हुए हैं आज। और हमने जो आज है दोनों साइट्स का दौरा किया, पहली जो थी वो सिटी लाइवलीहुड सेंटर जो कि गुरुद्वारा मार्केट के पास स्थित है, और दूसरा जो हमारा है मॉडल करियर सेंटर, इसमें भी जो कि ये डीसी ऑफिस के पास है, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जहां बैठते हैं उसके साथ साथ जो है वो एक्सटेंशन है काम की, जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है उसको एक्सटेंड किया जाएगा और उसको मॉडल करियर सेंटर में फिर परिवर्तित किया जाएगा।